बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अ मैन वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट देन 13 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। हाउ फार अवे ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड वॉट इज हिज डायरेक्शन। हमारे पास यहाँ जो गिवन है वो है 6 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड 13 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो अगर हम इसको हम ड्रॉ करें तो हमारे पास क्या है, 6 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट हो गया और फिर है 13 किलोमीटर, ये हो गया 13 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ये ईस्ट है या नॉर्थ है, तो हमें मालूम करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है इससे ये कितनी दूर है। तो यानी आपको ये डिस्टेंस मालूम, ये रिजल्टेंट डिस्टेंस है जो आपको ढूंढना है। तो हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास D1 है 6 किलोमीटर, D2 है 13 किलोमीटर, और ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, और ये D3 है जो हमको मालूम करना है, D3 हमको मालूम करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेन्यूस जो है उसका स्क्वायर जो है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो, ये हाइपोटेन्यूस कहलाता है। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब आपको इसके अंदर मालूम क्या करना है, आपको हाइपोटेन्यूस मालूम करना है। तो हाइपोटेन्यूस मालूम करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो अगर मैं इसमें जो है यहाँ पे अगर दोनों तरफ क्या करूंगा स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या होगा, जब यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन किस तरह होगा, फिर हमारा सोल्यूशन इस तरह होगा कि D3 जो बेस के हमारे पास 6 किलोमीटर है, 6 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, और ये हमारा बन जाएगा 6 6 36, और फिर 13 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, ये 169 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 205, और इसका मतलब 14.3 किलोमीटर। तो जो रिजल्टेंट डिस्टेंस हमारे पास आएगा ये 14.3। अब हमें मालूम करना है कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो हमें क्या कि हमें ये एंगल मालूम करना है। तो जो चीजें हमको पता है उसके हिसाब से क्या है कि टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सारे रेशियो आपको याद करने पड़ेंगे, ये हमारे पिछले स्केलर्स एंड वेक्टर्स के चैप्टर्स में ये सब चीजें मौजूद हैं और आप बुक को भी रेफर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज के टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 13 है, बेस हमारे पास 6 है, सो ये बन गया थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट हम यहाँ पे ले आएंगे -1 13/6 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 24.77 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ।